इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो फ़ोन को एक दूसरे से, जिसमें एक तरफ आता है हमारा मोटरोला का वन एक्सन और दूसरी तरफ यहाँ पर आता है हमारा वीवो का Y50। तो इन दोनों के अंदर हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें जो मोटरोला के अंदर फ़ोन के अंदर जो है आपको 4 और 128 GB रोम मिल जाता है, यानी 4 GB रैम और 128 GB रोम। और इधर ही आपको यहाँ पर इधर वीवो के अंदर 4/64 का वेरिएंट मिल जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें मोटरोला के अंदर तो आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जबकि वीवो के फ़ोन में आपको प्लस HD प्लस डिस्प्ले ही मिलती है बस। और बैक कैमरे की बात कर लेते हैं मोटरोला के फ़ोन में, तो आपको 12 MP प्लस 5 प्लस 16 डुअल रियर कैमरा मिल जाता है। और इधर हम बात कर लेते हैं तो इधर आपको 15 MP प्लस 2 प्लस 8 डुअल रियर कैमरा मिल जाता है। और फ्रंट कैमरे की बात कर ले तो मोटरोला के अंदर आपको 12 MP का जो आपको कैमरा मिल जाता है, और आपको वीवो Y15 के अंदर 16 MP का जो है आपको कैमरा मिल जाता है। बैटरी में यहाँ पर मोटरोला का जो है वो 3500 mAh की बैटरी लेता है, वीवो में यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी लगती है। बाकी यहाँ पर जो आपका स्पीड है वो 2.2 GHz की स्पीड पर चलता है मोटरोला का, और यहाँ पर आपको जो है 2.0 GHz की स्पीड पर चलता है वीवो का फ़ोन। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। और यहाँ पर आपको जो आपका ऑडियो कनेक्टर है वो यहाँ पर आपको वीवो के फ़ोन में 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है मोटरोला के बारे में लिख नहीं रखा, मे बी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है और हो भी सकता है कि हो। तो ये तो मेरे ख्याल से शायद इस फ़ोन के अंदर मेरे ख्याल से हो सकता है, बट पूरा कंफर्म चांस नहीं है। तो ये प्रोसेस है इसका। अगर इसमें आपको कुछ अलग से देखना हो तो वीडियो को पुश करके आप देख सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।